दोस्तों आज मैं आपको ऐसे तीन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में खरीदकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पछता रही होगी। नंबर एक पर हैं शिवम दुबे। 25 वर्षीय शिवम दुबे को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 5 करोड़ रुपए देकर शामिल किया था। ये फ्लॉप साबित हुए, उम्मीदों पर खरे साबित नहीं हो सके। शिवम दुबे आईपीएल सीजन 12 में 3 मैच खेले हैं जिसमें से उन्होंने मात्र 16 रन बनाए हैं। इनका औसत 8 का रहा है। नंबर दो पर हैं सिमरन हेटमायर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 4.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु ये आईपीएल 2019 में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। सिमरन हेटमायर ने आईपीएल सीजन 12 में 4 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने मात्र 15 रन बनाए हैं और उनका औसत 3.75 का रहा है। नंबर तीन पर हैं कॉलिंडी ग्रैंडहोम को टीम ने 2.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। इन्हें खरीदकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पछता रही होगी। कॉलिंडी ग्रैंडहोम ने आईपीएल सीजन 12 में 3 मैच खेले जिसमें उन्होंने मात्र 43 रन बनाए। उनका औसत 14.33 का रहा। अगर गेंदबाजी की बात करें तो ये एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये थे वो तीन खिलाड़ी जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खरीद कर पछता रही होगी। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।